पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किए जाने और एनपीएस के विरोध में एनी रेलवे मजदूर यूनियन के सदस्यों ने गुरुवार को रेलवे की यांत्रिक कारखाना गेट से मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। यह मोटरसाइकिल जुलूस यांत्रिक कारखाना से निकलकर बोलिया रेलवे कॉलोनी से होते हुए चौराहा पहुंचा, जहां यूनियन द्वारा एक सभा आयोजित की गई। सभा के दौरान वक्ताओं ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने और एनपीएस के विरोध में अपने विचार रखे। यूनियन के सदस्यों का कहना है कि पेंशन को लेकर एक ही देश में दो तरह की व्यवस्था लागू है। एक तरफ जहां रेलवे कर्मचारी लंबे समय तक रेलवे की सेवा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पेंशन व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। वहीं राजनेता जो अल्प समय के लिए कार्यरत है, उनके आजीवन पेंशन व्यवस्था लागू है, जो न्याय उचित नहीं है। यूनियन के सदस्यों का कहना है कि जब तक रेलवे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। मोटरसाइकिल जुलूस के दौरान यूनियन के संयुक्त महामंत्री प्रदीप कुमार दुबे, संजय कुमार पांडे, मिथिलेश गिरी, शिवानंद, विनोद सिंह सहित यूनियन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए यूनियन के महामंत्री केएल गुप्ता ने कहा, एनपीएस का जो स्कीम सरकार ने चलाया है उसको समाप्त किया जाए, पुरानी पेंशन लाए, उसी पहल में ये एक आंदोलन है जो कारखाने से ये हफ्तों तक चलेगा। आज से शुरुआत है, एक हफ्ता चलेगा। कहाँ जाएंगे आप इस वक्त? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण के पुतला पर, अपने नेता के पुराना नेता, वहाँ जाएंगे। आंदोलन वहीं से होगा।